हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक स्पेशल फूड आइटम जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर में बनती है। तो आज का मेन वीडियो में कॉन्सेप्ट ही ये कि मैंने सोचा था कि J&K की कुछ जो फूड आइटम है उसे हाईलाइट किया जाए, क्योंकि मैंने कभी भी किसी वीडियो में अपने J&K के बारे में कुछ स्पेशल कुछ बताया नहीं। तो आज मैं फूड आइटम लेके आया हूँ के लिए एक जो जो कि एज ए फास्ट फूड गिना जाता है यहाँ पे। जो लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं या जिन्होंने पहले विज़िट किया है जम्मू कश्मीर, उनको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो बेसिकली दूध का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो उससे बनती है। वो दूध को कुछ वो सुखा के रखते हैं काफ़ी देर, तो उससे बनती है। वो प्रोसेस आपको सारा मैं बता दूंगा। और वो जो ये प्रोडक्ट है ये हमेशा जो थोड़े जो पहाड़ी इलाके आ जाते हैं J&K में वहाँ पर बनती है। जो ग्राउंड लेवल पर ये नहीं बनती, जो पहाड़ी इलाके होते हैं जो लोग पहाड़ पर रहते हैं यूजली वो बनाते हैं, फिर उसको नीचे सप्लाई करते हैं, नीचे जो मेन सिटीज़ हैं टाउन आते हैं वहाँ पर। तो चलिए उसको पहले लेके आते हैं, फिर मैं आपको उसका टेक्सचर बता देता हूँ कि टेक्सचर कैसा है, और उसको बना के भी दिखा दूँगा आपको कि कैसी बनती है वो। गाड़ी उठाते हैं और निकलते हैं। अंकल कराड़ी होगी ना, तीन दे दो। हाँ तीन पीस चाहिए, चार सौ, चार कर दो, चार गाड़ी कर दो। ये है वो खिलाड़ी, क्या प्राइस अंकल इनका? अच्छा वेट के हिसाब से होता है। मिल गया अपना कलाड़ी, चलते हैं घर बनाते हैं इसे। गाइस जिस फूड आइटम की मैं बात कर रहा था उसको बोलते हैं कलाड़ी, KALARI। थोड़ा सुनने में अलग लगेगा बट यही नाम है जो उसको दिया गया है और इसी नाम से ही इसको पहचाना जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का ये। तो ये है बिल्कुल दूध से बनी हुई है। यही है जिसको हम अभी थोड़ा तवे के ऊपर थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे, तो उसके बाद देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसे बदलेगा। ये अपर लुक इसकी, इसको भी हम बनाने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं बनाने। पहले इसका टेक्सचर देखा होगा कितना वाइट था, मतलब कितना थोड़ा एक आपको सॉलिड फॉर्म में लग रहा था। अब ये बिल्कुल एक जैसे चीज़ स्प्रेड होता है ना वैसे ही चीज़ जैसे मेल्ट होता है वैसे हो गया, ये एक बिल्कुल चीज़ी टाइप में हो गया। ये देख सकते हैं आप, जैसे किसी चीज़ से उठता है ना वैसे ही लग रहा है। जब पूरा बन जाता है फिर आपको दिखाता हूँ मैं। गाइस रेडी अपनी कलाड़ी। जितना अजीब आपको लग रहा है कि ये बना हुआ है पर वैसा नहीं है, और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। लोग यूजुअली इसको ब्रेड ब्रेड के साथ लेना पसंद करते हैं, बट काफ़ी लोग हैं जो इसको चपाती के साथ भी खाते हैं। ब्रेड हो गई या कोई भी आपके घर में कोई भी ब्रेड बड़ी हो उसके साथ आप इसको ले सकते हैं। तो ये थे हमारी J&K की स्पेशल फूड आइटम। काफ़ी अच्छा लगा है दिखाने में आप लोगों की यहाँ पे J&K में कुछ अलग है जो और कहीं नहीं मिलता है। तो बेसिकली बनती है ऐसे हैं जो एक बोलते हैं रॉ मिल्क होता है, जो कच्चा मिल्क होता है, तो उसमें कोई ये खट्टी चीज़ जैसे नींबू हो गया या कुछ और हो गया उससे उस मिल्क में डालते हैं वो खट्टी चीज़, जिससे कि वो मिल्क सेपरेट हो जाता है, एक लिक्विड अलग हो जाता है और एक सॉलिड फॉर्म एक पेस्ट टाइप स्ट्रक्चर बाहर आता है उसमें से। फिर जो पेस्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है उसको किसी चीज़ में पैक कर लेते हैं, जैसे कोई लीफ हो गया या कोई पत्ते हो गए या किसी भी कपड़े में उसको पैक करके सन के सामने धूप सन के सामने रख देते हैं।
तो जो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है वो तो सन एब्जॉर्ब कर लेता है आधे से ज़्यादा, और जो थोड़ा बहुत बचा होता है वो कपड़े से बाहर मतलब कि पानी की तरह निकल जाता है एकदम। और पीछे जो सॉलिड फॉर्म बचती है वही होती है कलाड़ी, जो कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही मिलती है। ये जो कलाड़ी होती है ये मतलब कि इतनी बुरी नहीं होती हेल्थ के लिए, इसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिशन होता है, पर कैलरीज काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें अराउंड 260 कैलरीज होती है और अराउंड 10 से 12 ग्राम प्रोटीन होता है, 15 से 20 ग्राम फैट होता है, तो थोड़े बहुत कार्ब्स भी होते हैं इसके अंदर। इसके बाद मैं जाऊंगा जिम, तो जिम जा आज मेरा लेग्स होगा, लेग्स से कुछ मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा कि आज क्या वर्कआउट करा है मैंने, आज स्क्वाट मारूंगा, कोशिश करूंगा कि स्क्वाट में एक अपना न्यू पीआर सेट करूं। तो चलो चलते हैं जिम। वर्कआउट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बॉडी वार्म करना, तो पहले स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ा सा और वार्म कर लेते हैं। मेरा तो फेल हो गया पीआर, अब देखते हैं। पीआर फेल हो गया है अपना नया पीआर, मेरे को लगा काफ़ी क्लीन आएगा बट क्लीन आया नहीं। अब भैया मारने वाले हैं हमारे जिम वाले भैया, जिनकी जिम है जो ट्रेनर है अमित भैया, उनका देखते हैं। और तो मैं शूट कर नहीं पाया क्योंकि शूट करने के चक्कर में ना फिर वर्कआउट नहीं हुआ अच्छी तरह से। दिमाग में चलता रहता है कि एंगल सही आ रहा है, लाइटिंग सही आ रही है कि नहीं आ रही है,
इसलिए जो मेन था मेरा स्पॉट का वो मैंने शूट कर लिया हुआ है। बाकी वर्कआउट मैंने शूट नहीं करा, क्योंकि वर्कआउट में जब पूरा फोकस करना होता है तो कहीं और ध्यान नहीं भटकना चाहिए अपना, इसलिए। तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर लेना, और कोई भी डाउट हो आपको कमेंट कर सकते हो, या फिर इस साइड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल होगा उस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं।